इन द लास्ट लेक्चर वी स्टडीड अबाउट सर्कुलर पोलराइजेशन। तो सर्कुलर पोलराइजेशन में क्या खास बात थी कि एक फील्ड था, फील्ड में दोनों कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या ये डायनामिक फील्ड है? बिल्कुल है। क्या ये इंस्टेंटेनियस फील्ड है? बिल्कुल है। वेव किस डायरेक्शन पे प्रोपगेट हो रही है? जेड डायरेक्शन पे प्रोपगेट हो रही है। व्हाट वाज द स्टेप टू फाइंड आउट द पोलराइजेशन? व्हाट वेयर द स्टेप्स? तो पहला स्टेप क्या था? जेड इज इक्वल टू जीरो पुट करना। जेड इज इक्वल टू जीरो पुट करने का मतलब क्या है? फिक्स्ड स्पेस लगाना। फिर फिक्स्ड स्पेस लगाने के बाद अपन क्या करते थे, ऐसी कुछ इक्वेशन मिलती थी। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ ओमेगा टी, याद करिए, डिफरेंट वैल्यू ऑफ ओमेगा टी के लिए ई जीरो टी फाइंड करते थे। फिर एक्स वाई प्लेन पे हम क्या करते थे, ग्राफ को प्लॉट करते थे। क्या ये फिक्स्ड स्पेस है, एक्स वाई प्लेन? बिल्कुल है। इसका दूसरा नाम क्या है? जेड इज इक्वल टू जीरो प्लेन। रिकॉल करिए कि यदि ये ट्रेस सर्कुलर टाइप में दिख जाए तो कैसा पोलराइजेशन होगा? सर्कुलर पोलराइजेशन होगा। लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड सर्कुलर पोलराइजेशन में मैंने क्या बताया था कि आपका हमेशा जो थंब है वो किस तरफ होना चाहिए? प्लस जेड डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आपको सर्कुलर पोलराइजेशन बताया था। फिर आपको मैंने बताया था कि ये ई एक्स कंपोनेंट, ये ई वाई कंपोनेंट, इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, दोनों को ऐड करिए, तो ये इक्वेशन किसकी तरीके से दिखेगी? एज अ सर्कल के टाइप में दिखेगी। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर पोलराइजेशन बोलते हैं। तो इन दिस लेक्चर वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए कि मैंने लिखा है अ प्लेन वेव इज़ प्रोपोगेटिंग इन प्लस जेड डायरेक्शन। एक प्लेन वेव है जो कि प्लस जेड डायरेक्शन पे प्रोपोगेट कर रही है। उसके दो कंपोनेंट गिवन है, ई वन इज इक्वल टू 4 cos ωt ए एक्स, ई टू इज इक्वल टू 4 cos ωt प्लस 90 ay। अच्छा, ये दोनों कंपोनेंट गिवन है। अच्छा, इन दोनों कंपोनेंट में खास बात देखिए, क्या दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है? बिल्कुल है। दोनों का फेज में डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री है। बिल्कुल दिख रहा है, मतलब ये पक्की बात है कि यहाँ पे सर्कुलर पोलराइजेशन होने के चांस बनते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा, याद करिए ई जेड टी कैसे लिखते थे। इसको यदि इस फॉर्म पे लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 4 cos ωt माइनस बीटा जेड ए एक्स प्लस 4 cos ωt माइनस बीटा जेड प्लस 90 ay। एट फिक्स्ड स्पेस जेड इज इक्वल टू जीरो रखेंगे, तो जेड इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 cos ωt ax प्लस 4 cos ωt प्लस 90 ay। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट है, ए एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ये अपने को मिला। अच्छा, व्हाट वाज द स्टेप्स, व्हाट वेयर द स्टेप्स? पहले कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते थे? जेड इज इक्वल टू जीरो की कंडीशन रखा, इन दोनों कंपोनेंट्स को यहाँ पे रख दिया, सीधे रख दीजिए आप चाहे तो। अच्छा, इसको सॉल्व करिए, cos 90 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस साइन ओमेगा टी यहाँ पे हो जाएगा। डिफरेंट वैल्यू ऑफ ओमेगा टी के लिए ओमेगा टी की वैल्यू जीरो रखिए, यही स्टेप्स थे। जीरो रखूँगा तो 4 ax यहाँ मिल जाएगा, 45 डिग्री रखूँगा तो 4/√2 ax, 4/-4/√2 ay यहाँ पर मिल जाएगा। 90 डिग्री रखूँगा तो क्या मिल जाएगा? -4 ay मिल जाएगा। 90 पे कॉस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा, -4 ay। तो याद करिए कि ए एक्स और ए वाई क्या है? यूनिट वेक्टर है। ए एक्स यूनिट वेक्टर किधर होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ए वाई यूनिट वेक्टर किधर होगा? ए वाई यूनिट वेक्टर पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ होगा। माइनस ए एक्स यूनिट वेक्टर किधर होगा? माइनस एक्स एक्सिस की तरफ। माइनस ए वाई यूनिट वेक्टर किधर होगा? माइनस वाई एक्सिस की तरफ। चलिए, इतना कर लिया। क्या ये फिक्स्ड स्पेस है? यस, बिल्कुल है। एक्स वाई प्लेन है, जेड इज इक्वल टू जीरो प्लेन है, बिल्कुल फिक्स्ड स्पेस है। अच्छा, आप देखिए कि क्या आप इस पे ग्राफ को ट्रेस कर रहे हैं? बिल्कुल ट्रेस कर रहे हैं। चलिए ट्रेस करते हैं। 0 डिग्री पे क्या? 4 ax, मतलब यहाँ कहीं पे। 45 डिग्री पे कहाँ पे है? ए एक्स पॉजिटिव है, ए वाई नेगेटिव है। ए एक्स इधर पॉजिटिव होगा, ए वाई इधर नेगेटिव होगा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ कहीं पर। तीसरी वैल्यू पे क्या है? -ay, मतलब यहाँ कहीं पर होगा। अच्छा, देखिए खास बात देखिए, इस ग्राफ को ऐसा ट्रेस करना चालू करिए। ऐसा ट्रेस किया, चलिए
दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री है। वक्त की बात है कि यहाँ पे पोलराइजेशन कैसा होगा, सर्कुलर पोलराइजेशन होगा, क्योंकि ये सर्कुलर पोलराइजेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अच्छा चलिए देखिए, इसमें लेफ्ट हैंडेड होगा कि राइट हैंडेड। तो स्टेप नंबर वन, पहला स्टेप क्या बोलता था मैं, एक्स को वाई की तरफ घुमाइए। एक्स को वाई की तरफ घुमाऊंगा तो किधर मिलेगा, प्लस जेड एक्सिस की तरफ। किस तरफ मिलेगा, प्लस जेड एक्सिस की तरफ। चलिए, मैंने आपसे बोला था कि फिंगर को, राइट हैंड फिंगर को या लेफ्ट हैंड फिंगर को रैप करिए। एरो की डायरेक्शन पे यदि मैंने राइट हैंड यूज़ करके फिंगर को रैप किया तो मेरा थंब किधर चला गया, माइनस जेड एक्सिस की तरफ। चलिए, थंब किधर चला गया, माइनस जेड एक्सिस की तरफ। कौन से केस में, जब मैं अपना राइट हैंड यूज़ किया। चलिए अब मैं अपना लेफ्ट हैंड यूज़ करता हूँ, लेफ्ट हैंड यूज़ किया और फिंगर की डायरेक्शन पे मैंने अपने सॉरी इन एरो की डायरेक्शन पे मैंने अपना फिंगर रैप किया तो थंब किधर आया, प्लस जेड डायरेक्शन की तरफ। और मैंने क्या बताया था कि हमेशा जो आपका थंब आए वो किस डायरेक्शन की तरफ आए, प्लस जेड डायरेक्शन की तरफ। तो पक्की बात है इसमें पोलराइजेशन कैसा होगा, लेफ्ट हैंडेड सर्कुलर पोलराइजेशन होगा। तो मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरे एग्जाम्पल में आपको एक इक्वेशन ऐसा गिवन है, वेक्टर ई वेक्टर इज इक्वल टू 10 AY प्लस 10 JAZ ई पावर -j25x। तो एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पे सिर्फ x का टर्म इन्वॉल्व है, तो ये कैसा है, पक्की बात है फेजर फॉर्म है। जिसको चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 10 e पावर -j25 xAY। इसको इधर मल्टीप्लाई किए, 10 j e पावर j -j25 xAZ, मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल सा। अच्छा ये जो j है इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, e पावर j 0 कितना होता, 1। e पावर j पाई कितना होता, -1। e पावर j पाई बाई 2 कितना होता, i। e पावर -j π/2 कितना होता, -i। अच्छा ये कैसे निकालते हैं, देखिए e पावर i थीटा कितना होता, cos थीटा प्लस i टाइम्स ऑफ साइन थीटा, ये ऐसा होता है। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए यदि पाई बाई 2 वैल्यू रखूँ, थीटा की जगह पे पाई बाई 2 रखूँ तो क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 कितना होगा, 0। साइन पाई बाई 2 कितना होगा, 1। मतलब कि ई पावर जे पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी, आई के बराबर होगी या जे के बराबर होगी। ई यदि थीटा की वैल्यू नेगेटिव रख दूँ तो कॉस -π/2 कितना होगा, 0। साइन -π/2 कितना होगा, -1। तो ये माइनस आई आ जाएगा। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इस जे की जगह पर ई पावर जे पाई बाई 2 रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। इस जे की जगह पे मैंने ई पावर जे पाई बाई 2 रख दिया। अच्छा इस ये कैसा फॉर्म है, फेजर फॉर्म है, सॉरी ये कैसा फॉर्म है, ये कैसा फॉर्म है, फेजर फॉर्म है। यदि फेजर फॉर्म से टाइम हार्मोनिक फॉर्म पे आना है, फेजर फॉर्म से टाइम हार्मोनिक फॉर्म पे आना, तो क्या करते थे, जे ओमेगा टी का मल्टीप्लिकेशन करते थे। मैंने बताया है 10 e पावर j ओमेगा t e पावर -j25 x ax, 10 j e पावर j 25 x e पावर j ओमेगा t। और इस j की जगह पे क्या मैं e पावर j पाई बाई 2 रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। अच्छा इसको इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, क्या मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ क्या, 10 e पावर j ओमेगा t -25 x ax प्लस 10 e पावर j ओमेगा t -25 x प्लस π/2 AZ, ऐसा बना दिया। अच्छा इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। क्या क्या आ रही है, क्या ये डायनामिक फील्ड है, बिल्कुल है। क्या ये इंस्टेंटेनियस फील्ड है, बिल्कुल है। दो कंपोनेंट हैं इसके, बिल्कुल है, AX और AZ दोनों कंपोनेंट हैं। दोनों कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। दोनों में फेज डिफरेंस कितने का है, पाई बाई 2 का है। मतलब ये बात पक्की है कि मैग्नीट्यूड भी सेम है और फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का है, मतलब पोलराइजेशन कैसा होगा, सर्कुलर होगा। अब मैंने आपको सिखाया है कि यदि याद करिए कि पिछले लेक्चर में ही बताया कि यदि प्लस पाई बाई 2 लेते हैं तो क्या आता है, LSCP, प्लॉट कर लीजिएगा, और यदि -π/2 लेते हैं तो RSCP आता है। तो इसमें जो पोलराइजेशन होगा कैसा होगा, लेफ्ट हैंडेड सर्कुलर पोलराइजेशन होगा। तो आप देख लेना कि ये कैसे निकालते हैं, इसमें अप्लाई करके देखना आप कि कैसे निकालते हैं।
तो इस लेक्चर में इतना ही. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी अबाउट द इलिप्टिकल पोलराइजेशन. ओके, इलिप्टिकल पोलराइजेशन की खास बात क्या है ये देखेंगे. यदि ये आपको लेक्चर अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट. थैंक यू वेरी मच.